दयालन हेमलता भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक गेंदबाज ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने सितंबर 2018 से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं दयालन हेमलता के बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। दयालन हेमलता का जन्म 29 सितंबर 1994 चेन्नई तमिलनाडु भारत में हुआ। वर्तमान में जो इनका गृह निवास यानी घर है वो है चेन्नई भारत। जाति और धर्म से हेमलता एक भारतीय यानी एक इंडियन है। दयालन हेमलता दाएं हाथ की बैटर यानी बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की बॉलर यानी गेंदबाज है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर यानी गेंदबाजी के साथ ऑलराउंडर की है। और दयालन हेमलता की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 60। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 9 नवंबर 2018 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। और वनडे में इनकी कैप नंबर है 125। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 11 सितंबर 2018 को श्रीलंका के खिलाफ खेला। और दयालन हेमलता डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर तमिलनाडु टीम से और साउथ जोन टीम से खेलती हैं। हेमलता बचपन से ही गली क्रिकेट खेलती थी, लेकिन इनकी माँ को इनका क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि हेमलता अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और एक अच्छी सी नौकरी करें, लेकिन इनके पिता ने इनका पूरा साथ दिया और इनकी माँ को भी मनाया। और फिर हेमलता ने 18 साल की उम्र में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और फिर 2011 में तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया और फिर 2013-14 में सीनियर साउथ जोन टीम में भी प्रवेश किया और 2018 में अपनी पहली चैलेंजर ट्रॉफी खेली। फिर दयालन हेमलता को मार्च 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की महिला एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया, लेकिन इस श्रृंखला में ये खेल नहीं पाई और फिर 11 सितंबर 2018 को श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे पदार्पण किया। और फिर अक्टूबर 2018 में इन्हें वेस्टइंडीज़ में 2018 ICC महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया और 9 नवंबर सन 2018 को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय की शुरुआत की। और दयालन हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में 37 रन बनाए और इसके बाद इसी साल की शुरुआत में एक T20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 32 गेंदों में 41 रन बनाए। दयालन हेमलता का अंतर्राष्ट्रीय करियर अभी शुरुआती चरण पे है। हम दयालन हेमलता के उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो फ्यूचर में भारत के लिए बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।